नमस्कार, मेरा नाम है पंछी सिंह, लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम न्यूज आजकल, ताजा तरीन ट्रेंडिंग खबरों के साथ आपके सामने हाजिर अपना पहला एपिसोड लेके। तो चलिए पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं यहाँ पे एक शायरी से। तो अर्ज किया है, कुछ तो था उसके होठों पे न जाने क्यों शर्माती थी, कुछ तो था उसके होठों पे न जाने क्यों शर्माती थी, एक दिन हंसी तो पता चला भैया तम्बाकू खाती थी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की ताजा तरीन खबरों के साथ। तो शो का नाम है यहाँ पे ट्रेंडिंग कहानी मेरी जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है यहाँ पे रसिया से। भैया रसिया तो रसिया निकली, बस गुंडों में नहीं फंसी। तो रसिया से यहाँ पे खबर आई थी, सूत्रों से पता चल रहा था कि उसने कोरोना वैक्सीन बना ली है, लेकिन भैया वही एकदम झूठी खबर निकली यहाँ पे। भैया रामदेव बाबा से दो कदम आगे निकले भैया रसिया, अभी पहले स्टेज पे है भैया वो तो। एक तो भैया का चुल मची हुई है इतनी, भैया ठीक है पता है कि कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, आराम से दो मिनट बैठ के पहले वैक्सीन बना लो। नहीं, यहाँ पे लड़की पटानी है इनको, पता नहीं पहले हम पटाएंगे। अरे दो मिनट बैठ के आराम से वैक्सीन बना लो तब बताओ। ऑक्सफर्ड भी भैया ट्राई कर रहा है वैक्सीन बनाने की, चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। दूसरी खबर यहाँ पे बहुत दुखद आ रही है, यहाँ पे आसाम से बाढ़ की चपेट में आ गया है यहाँ पे, और बहुत नुकसान हो रहा भैया, बहुत नुकसान है। एक तो 2020 भैया क्या क्या दिखाएगा, भैया क्या क्या दिखाओगे भगवान, भैया यहाँ पे सब चीजें 2020 में आ गई। यहाँ पे कोरोना आ गया, यहाँ पे भैया टिड्डी आ गई है, बाढ़ भी आ गई है, क्या क्या दिखाएगा 2020। लग रहा है भैया भगवान ने यहाँ पे सारे यहाँ पे जो डिजास्टर है वो 2020 में उतार दिए हैं। भैया आगे साल के लिए तो कुछ बचा के रखो कि सारा इसी में फोड़ दोगे। चलिए हमारे संवाददाता सुनील वहाँ पे यहाँ मौजूद है, वहाँ पे असम में। बताइए सुनील, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पे, कैसा माहौल हो रहा है वहाँ पे? सुनील, हे सुनील, का इनको भैया सर्दी गर्मी बरसात एक साथ लग रही है क्या? चलिए भैया हमारा सुनील से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक के कारण, भैया बाढ़ आ गए वहां पे। चलिए तीसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं भैया। हम और न्यूज चैनल की तरह नहीं है कि सरकार की चाटे, आइए करते हैं कुछ पर्सनल बातें। भैया हमारे न्यूज चैनल मतलब इंडिया के न्यूज चैनलों में और विदेशों के न्यूज चैनलों में आपको पता है क्या अंतर है? चलिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में भैया इन यूक्रेन की जो रिपोर्टर हैं उनके दांत टूट गए हैं, और कैसे भैया क्या सफाई से भैया संभाला है इनने। और हमारे यहाँ पे न्यूज चैनलों में क्या होता है आइए देखते हैं। ये होता है हमारे भैया न्यूज चैनलों में। और एक और आपको भैया रिपोर्ट दिखाते हैं अर्नब गोस्वामी के यहाँ पे, जो न्यूज में एक महिला आई थी। भैया क्या कितनी भूख लगी है भैया इन महिला को, नहीं कितनी भूख लगी है भैया, डिबेट चल रहा है यहाँ पे, ये खाना खा रही हैं, ऐसा होता है क्या भैया? मतलब हमको अगर कोई डिबेट में जाना हो तो हम क्या बर्गर लेके वहाँ टपक पड़ेंगे क्या? आगे कोई बोल रहा है तो हम पीछे से बर्गर ठूस रहे हैं? अरे भैया इन महिला को भी नहीं हम बोल सकते हैं भैया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी वैसे ही किसी को नहीं बोलने देते हैं। तो इन महिला की भाई है यहाँ पे कोई गलती नहीं है, लेकिन भैया हमारे न्यूज चैनल में आकर ऐसा मत करना भैया। चौथी खबर यहाँ पे, जिसने कोरोना का ऐड किया मतलब कोरोना से बचने का ऐड किया उसी को कोरोना हो गया, मतलब भैया श्री अमिताभ बच्चन। बहुत दुखद समाचार है, इसलिए आप भी घर ही पे बैठे रहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, समझे? आप लोग क्या चीज हैं, कोई भी पैसा कोरोना से नहीं बचा सकता, इसलिए घर पे बैठे रहिए, जनहित में जारी इंफॉर्मेशन है, समझे? सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। अबे ये तो क्राइम पेट्रोल का प्रमोशन हो गया, चेक ले लेना उनसे। और आखिरी यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कुछ मीम। तो आज का मतलब इस हफ्ते का सबसे प्रसिद्ध मीम आया है ये भैया, मुकुंद भैया को आप जानते ही होंगे, भैया सबसे बढ़िया एक्टर कहला रहे हैं आप लोग टिकटॉक लोग को, टिकटॉक वालों को बेस्ट एक्टर कहते हैं, वाक बेवकूफ हो क्या, ये है मुकुंद भैया रियल एक्टर। तो इसी के साथ भैया ट्रेंडिंग कहानी मेरी जुबानी एपिसोड खत्म होता है। आगे भी हम लोग ऐसे ही एपिसोड बनाते रहेंगे ट्रेंडिंग कहानियां,
आपके लिए रहते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, घर से ऑपरेट करना पड़ा, यहाँ पे कोरोना है, अपने न्यूज चैनल में मैं नहीं जा सकता, वहाँ पे ऑफिस में नहीं जा सकता, तो घर ही से ऑपरेट करना पड़ रहा है, हम लोग इतना कर रहे हैं। तो आप भी करिए भैया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद, आते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।